नीलिमा अजीम, हैप्पी बर्थडे नीलिमा अजीम। आज इनका जन्मदिन है। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस, हीरोइन, अदाकारा, बहुत ज़्यादा फिल्मों में काम की हैं, बड़े अच्छे रोल अदा करती हैं। और हिंदुस्तान में शाहिद कपूर को सबको जानता है, फिल्म दुनिया के सुपरस्टार, और उनकी ये माँ हैं। और इसके अलावा इनका ज़िंदगी में बहुत सारा उतार चढ़ाव रहा, आज इसके बारे में मैं कुछ बातें बताऊँगा। शाहिद कपूर और ईशान खट्टर की ये माँ हैं। ईशान खट्टर भी इनका बेटा का नाम है। इनकी पैदाइश 2 दिसंबर 1958 को हुआ, 1958, और आज 2 दिसंबर 2020 है, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फिर से एक बार जन्मदिन मुबारक हो नीलिमा जी। इनकी पैदाइश न्यू दिल्ली में हुई। इनके पेरेंट्स, माँ का नाम खदीजा अजीम और बाप का नाम अनवर अजीम। इनके हस्बैंड पंकज कपूर, उनसे भी डाइवोर्स हुआ। उसके बाद राजा अली खान, उनसे भी डाइवोर्स हुआ, और राजेश खट्टर, इनसे भी डाइवोर्स हुआ। इनकी 3 शादियाँ हुई, अभी फिलहाल ये तीनों डाइवोर्स हो चुके तीनों से। इनका बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किए, जैसे कि अलिफ एक फिल्म का नाम था जिसमें इनका अच्छा रोल था। बहुत सारी फिल्मों के बारे में मैं बताऊँगा। एक फिल्म था जिनका अलिफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसमें दिखा रहा हूँ इनका एक फिल्म। ये नीलिमा अजीम है और साथ में ये शाहिद कपूर के माँ नीलिमा अजीम और शाहिद कपूर के परिवार, साथ में ये नीलिमा अजीम के साथ साथ। और ये फिल्म आए थे एक सूर्यवंशम, सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन की ये बहू की रोल अदा की थी। एक फिल्म आई थी इश्क विश्क, उसमें ये मिसेस माथुर की रोल अदा की थी। और मैंने बताया था फिल्म अलिफ, अलिफ में ये जहरा का रोल अदा की थी। उसके बाद ब्लैक मेल एक फिल्म आया था, ब्लैक मेल फिल्म में ये डॉली की माँ का रोल अदा की थी। नीलिमा अजीम एक फिल्म सड़क बहुत सुपरहिट था संजय दत्त का, उस फिल्म में सड़क फिल्म में इन्होंने अच्छा रोल अदा किया, चंदा का रोल अदा किए थे। जिन लोगों ने सड़क देखा होगा उनको याद होगा चंदा का रोल उसमें इन्होंने अदा किए थे, ये नीलिमा अजीम। और साथ साथ इन्होंने ढेर सारे और भी फिल्में बनाई हैं जिनको पुराने लोग इनको पता होगा। सीरियल में भी काफ़ी आई हैं, टीवी सीरियल, दूरदर्शन में इनके बहुत सारे सीरियल आया करते थे, और जो लोग पुराने टीवी देखते थे उनको याद होगा ये सब। नीलिमा अजीम एक अजीम हस्ती, अजीम शख्सियत, और शाहिद कपूर की माँ। पंकज कपूर भी फिल्मों में काम करने वाले एक अच्छे एक्टर, उनकी भी ये बीवी रह चुकी हैं। साथ में आज मैं इनके जन्मदिन पर आप सभी की तरफ से शुभकामनाएँ भेजता हूँ। हैप्पी बर्थडे नीलिमा जी। आपको ये वीडियो जैसा अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करें, और इसके अलावा मुझे नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए मुझे कमेंट में बताएं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।